पार्टी के साथ छेड़छाड़, एसटी से टकराएगा, एसटी के साथ छेड़छाड़। ऐसे किसी भी उन लोगों ने जिन्हें 1947 से पहला हमारे लोगों में रूल किया भी है, हमारे लोगों में हुकूमत की भी है, हमारी जो जमीन का वे माल किसी तरीके वो ये मारा ना इंसाफी करी तो मारा लोगों का कार मारा बच्चा जरा वे उनकी नौकरी करी मजदूरी करी किसी कार दूध लेनी किसी कार ऑफ इंडिया ने एक पीसफुल मैसेज दे तू जरा तुमने पता लगाओ कि मारो तबको जम्मू कश्मीर में सबसे पीसफुल तबको है। हमने कदे आत्मा पत्थर नहीं चाहे कदे वायलेंस पर बिलीव नहीं कियो, मारा लोग जंगल में रही अपना माल मवेशी ना सारा क्यों खा लिया। आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट छुपियान में करने का ये मकसद है कि जो पिछले काफी टाइम से ये अफवाहें चल रही है कि जम्मू कश्मीर में जो है एलीट क्लास लोगों को शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। हमारे पिछले एक साल से हम कंटिन्यूसली हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हो रहे हैं। हम इसकी सख्त अपोजिशन करते हैं क्योंकि वो लोग अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने 1947 से पहले हमारे साथ हमारे ऊपर रूल किया है, वो लोग इस चीज़ को हर कतन भी जो है डिजर्व नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई फैसला ना ले जिससे जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल सड़कों पे आए, क्योंकि हमारे 10 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको मकान नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब कोई पैकेज का ऐलान करें जिससे हमारे लोगों की अपलिफ्टमेंट हो, और ऐसे किसी भी फैसले का ऐलान ना किया जाए जो हमारे लोगों की इसके खिलाफ होगा। कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और हमारा जो है आज एक पुरमन प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि हमने रूमर्स सुने थे कि एसटी स्टेटस जो हमारा 10% एसटी स्टेटस रिजर्वेशन कोटा है उसमें कुछ एलीट क्लास को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड करना चाहती है, जिसके हम जो है मजम्मत करते हैं कि हमारे एसटी कोटा में किसी भी एलीट क्लास को जो है इंगेज ना किया जाए, क्योंकि हम जो है पसमानदा तबके से लोग आते हैं, पिछड़े हुए इलाकों से लोग आते हैं। इसलिए हमने जो ज़िला तमाम यूटी बार में एक हमारा प्रोग्राम चल रहा था प्रोटेस्ट पुरमन प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, उसी तरीके से हमने शोपियान में भी एक प्रोटेस्ट किया है।